हेलो फ्रेंड्स, माय नेम चित्रांशु पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक जो कि है जेंडर बजटिंग एक्ट को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के संबंधित अभी हाल ही में कई रिपोर्ट सामने आई हैं, नीति आयोग ने भी अपने रिकमेंडेशन दिए हैं, हम इन पर आज अपनी चर्चा केंद्रित रखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे जेंडर बजटिंग के बारे में। ये पार्ट है यूपीएससी के एग्जाम्स के सीएस 2 का, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, इसके अंतर्गत हम इसको आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई इन न्यूज़, ये अभी हाल ही में न्यूज़ में क्यों था। इसके बाद हम देखेंगे कि जेंडर बजटिंग एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट इज जेंडर बजटिंग। देन वी विल डिस्कस द रिकमेंडेशंस बाय डीएमईओ। अब डीएमईओ क्या है, इसको हम आगे फर्दर जानेंगे वीडियो में। इसने अभी हाल ही में कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं जो इसे करंट का एक टॉपिक भी बनाता है। देन वी विल डिस्कस व्हाई नीडेड, इट मींस जेंडर बजटिंग एक्ट की जरूरत क्यों है इंडिया में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जेंडर बजटिंग इन इंडिया, कि इस जेंडर बजटिंग की ओर भारत में क्या क्या अभी तक चीज़ें डेवलप हुई हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिंस कॉलेज के बारे में। प्रिंस कॉलेज इज द वन ऑफ इंडिया फर्स्ट कॉलेज विच इज ऑफरिंग यू टू कम्प्लीट योर ग्रेजुएशन विद द प्रिपरेशन ऑफ IAS एंड RAS। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन I request you to kindly call on 9610652222. So let's start the video. Why in news? Gender bursting news में क्यों है? Recently Development Monitoring and Evaluation Office, जो मैं DMEO के बारे में बात कर रहा था, उसका full form है Development Monitoring and Evaluation Office, DMEO, and attached office under the NITI Aayog. NITI Aayog के अंदर एक office है जो काम करता है, has called for a national policy for women and mainstreaming of gender-based budgeting by formulating the Gender Budgeting Act. तो इसकी recommendation अभी आई है हाल ही में, और उसने बोला है कि हमें एक Gender Budgeting Act को form करने की ज़रूरत है, और इसके द्वारा हम क्या करेंगे, वुमेंस को क्या लगाएंगे, मेन स्ट्रीम बनाएंगे और जेंडर बजटिंग, जेंडर को जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जेंडर बजटिंग is not practiced in most states and it is also not a captured for the many schemes in different sectors. हालांकि इंडिया में जस्ट जेंडर बजटिंग लागू हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो कई स्टेट्स में हमें वो दिखाई नहीं पड़ती। जो पॉलिसीज बन रही हैं, जो लॉ बन रहे हैं, उनमें जेंडर को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। इसके अलावा कुछ जो स्कीम्स बन रही हैं उनमें भी जेंडर को विशेष जेंडर बजटिंग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये पूरा कुछ रिपोर्ट DMEO ने पब्लिश की है, और इसी के साथ ही टॉपिक जो है करंट के लिए से रेलेवेंट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग इज कंसर्न्ड विद जेंडर सेंसिटिव फॉर्मुलेशन। जेंडर बजटिंग नॉर्मल बजटिंग जो होती है वैसी ही बजटिंग होगी, बट इसमें जो चीज़ें मेंशन की जाएंगी वो जेंडर को ध्यान में रखकर की जाएंगी। फॉर एग्जांपल, किसी स्कीम के लिए अगर कुछ अलॉटमेंट होता है गवर्नमेंट द्वारा कुछ फंड का, तो जेंडर के लिए ध्यान में रखते हुए जेंडर लाइक मेल्स के लिए अलग और फीमेल्स के लिए वो फंड अलग अलॉट किया जाएगा। तो द फॉर्मुलेशन ऑफ लेजिस्लेशन प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, वही बात है, जो बजट में जो स्कीम्स लॉन्च होंगी, जो प्रोग्राम्स लॉन्च होंगे, उनमें जेंडर को विशेष तरजीह दी जाएगी। इट मींस इनकॉर्पोरेटिंग अ जेंडर पर्सपेक्टिव एट ऑल लेवल्स ऑफ बजटरी प्रोसेस एंड रीस्ट्रक्चरिंग रिवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स इन ऑर्डर टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। तो क्या किया जाएगा, जेंडर पर्सपेक्टिव को बजट के हर सेशन में, हर प्रोसेस में ध्यान में रखा जाएगा, और एक्सपेंडिचर्स जो मैंने बताया बजट का जो अलॉटमेंट होता है किसी स्कीम के लिए, उसमें क्या किया जाएगा, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाएगा। जितना अलॉटमेंट मेल के लिए होगा उतना ही किसके लिए होना चाहिए, फीमेल के लिए। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द बजट, ये सिर्फ बजट के लिए नहीं, बल्कि ये क्या है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ऑल लेवल्स एंड स्टेजेस ऑफ द पॉलिसी प्रोसेस। इट मीन्स अगर हम किसी लॉ को, किसी स्कीम को लागू कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिर्फ अलॉटमेंट के समय ही नहीं, बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं जेंडर बजटिंग का ध्यान रखेंगे, बल्कि उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के समय और जो अदर प्रोसेस उस स्कीम का होगा फर्दर, उसमें भी हम क्या करेंगे, स्टेजेस में जेंडर बजटिंग को ध्यान में रखेंगे। तो सिर्फ ये बजट के लिए ही नहीं है, इट इज़ एन आउटकम ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर एलोकेशन। जो एलोकेशन होगा वो क्या होगा, आउटकम ओरिएंटेड होगा। तो ये है जेंडर बजटिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी क्या जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है DMEO द्वारा, उससे क्या क्या प्रोविजंस रहे हैं। उन्होंने बोला है कि इम्प्रूव सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांसजेंडर्स। इस रिपोर्ट का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ट्रांसजेंडर के लिए जो
एक्सेप्टेंस है इंडियन सोसाइटी में वो थोड़ी कम है, थोड़ी क्या ही बहुत ही कम है। तो इस एक्सेप्टेंस को हमें क्या करना होगा, सोशल लेवल पर बढ़ाना होगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट शुड इनकरेज स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंक्रीज देयर बजट एलोकेशन टूवर्ड्स वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर स्कीम। दूसरा प्रमुख जो प्रोविजन है इस रिपोर्ट में वो क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को क्या करना चाहिए, इन स्टेट्स को प्रमोट करना चाहिए कि ये वुमेन्स और चाइल्ड के लिए स्पेशली क्या करें, अपने जो प्रोविजन्स हैं स्कीम्स में उनको बढ़ाएं, अलॉटमेंट्स को और बढ़ाएं। इसके अलावा देयर इज अ नीड ऑफ फाइनलाइज द नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन विद रिवीजन इन द 2016 ड्राफ्ट पॉलिसी। जो पॉलिसी है वुमेन्स के लिए वो 2016 में लॉन्च की गई थी, पब्लिश की गई थी, उसके बाद अभी जो बोला गया इस रिपोर्ट में कि अभी ज़रूरत है क्या करना है, इस पॉलिसी का जो ड्राफ्ट बना 2016 में उसको फाइनलाइज किया जाए और उसे ग्राउंड लेवल पर भी लागू किया जाए। इसके बाद प्रोवाइड जेंडर डिसएग्रीगेटेड डाटा, मतलब जो डाटा है स्कीम्स में जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो क्या होना चाहिए, जेंडर डिसएग्रीगेटेड, मतलब जेंडर वाइज मेल्स फीमेल्स एंड थर्ड पर्सन के लिए वो अलग अलग पब्लिश किया जाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि इसकी ज़रूरत इंडिया में क्यों है, वाई इट इज़ नीडेड इन इंडिया। इंडियाज रैंक फेल बाई 28 प्लेस टू 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज कंपेयर टू 112 इन 2020 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 पब्लिश बाई द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एक रिपोर्ट पब्लिश करता है क्या, जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में पब्लिश की। अब इस रिपोर्ट में क्या आया है, इंडिया की जो रैंक 2020 में कितनी थी, अराउंड 118 थी, वो अभी ड्रॉप हो गई और कितनी हो गई, सॉरी 112 थी, वो 2021 में 28 पॉइंट वापस गिर गए, 140 पहुंच गई आउट ऑफ 156 कंट्रीज। जो रैंक 112 थी लास्ट ईयर 2020 में वो गिरकर कितनी आ गई है, 140। तो ये जो ड्रॉप आया है वो जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से आया है, इसलिए इंडिया में जेंडर बजटिंग की आवश्यकता है। एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, ऐसा मैंने बताया इंडियन सोसाइटी में मेल्स फीमेल्स और थर्ड पर्सन के लिए जो इनइक्वालिटी है, जो भेदभाव वाला नज़रिया है वो अभी भी दूर नहीं हुआ है और इक्वालिटी अभी भी एक क्या है, ड्रीम बना हुआ है। इसके अलावा जेंडर बजटिंग इज अ पावरफुल टूल फॉर आर्काइविंग जेंडर मेन स्ट्रीमिंग सो एज टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट रीच वुमेन्स एज मच एज मैन। मतलब साफ है कि जो अगर जेंडर बजटिंग लागू होगा, फीमेल्स के लिए अलग फंड बनेगा, ट्रांसजेंडर के लिए अलग फंड अगर बनाते हैं बजट में, अलग एलोकेशंस करते हैं, तो डायरेक्ट बेनिफिट किसको होगा, इन अदर मेल्स और फीमेल्स को होगा, इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स को होगा, तो उनका डेवलपमेंट भी हो सकेगा। अब आइए हम देखते हैं जेंडर बजटिंग अभी तक इंडिया में किस प्रकार से लागू की गई है, ऐसा क्या क्या अभी तक इतिहास या बैकग्राउंड रहा है। तो बीजिंग डिक्लेरेशन 1995 ने फर्स्ट टाइम ऐसा वर्ल्ड में रिकमेंड किया था कि हमें जेंडर बजटिंग कंट्रीज में लागू करनी चाहिए। तो आपको याद रखना है फर्स्ट टाइम अगर वर्ल्ड में जेंडर बजटिंग को डिक्लेयर किसने किया, तो डिक्लेरेशन था बीजिंग का 1995 में, जब वर्ल्ड ने फर्स्ट बार जेंडर बजटिंग को समझा था, जाना था और उसको बाद में इंप्लीमेंट किया था अदर कंट्रीज में। जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट GBS वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडियन बजट इन 2005 एंड 6। 2005 और 6 के जो बजट था उसमें जेंडर बजटिंग को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्या नाम दिया गया, GBS यानी कि जेंडर बजट स्टेटमेंट। और इसे किस में लागू किया गया, दो पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या था, पार्ट ए रिफ्लेक्ट्स वुमेन स्पेसिफाइड स्कीम्स, इसमें पार्ट ए में जो स्कीम्स थी वो सारी वुमेन्स स्पेसिफिक थी और विच हैव 100% एलोकेशन फॉर वुमेन। उसमें जो एलोकेशन था वो मेल्स का नहीं था, वो सिर्फ वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स थी और मैं पूरा एलोकेशन किसके लिए था, वुमेन्स के लिए। इसके बाद पार्ट बी था जिसमें प्रो वुमेन स्कीम्स थी और इसमें कितना था, एटलीस्ट 30% ऑफ एलोकेशन, मतलब इस जो अदर स्कीम्स थी उसमें कितना एटलीस्ट एलोकेशन था, 30%। तो इस तरह से दो पार्ट्स में स्कीम्स को डिवाइड करके जेंडर बजट स्टेटमेंट को लागू किया गया इंडिया में 2005 एंड 6 में। जेंडर बजटिंग सेल्स हैज बीन मैंडेटेड इन ईच मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में क्या क्या मैंडेट किया गया है, जेंडर बजटिंग सेल्स को। इसके अलावा इन द बजट दिस ईयर इंडिया हैज शिफ्टेड इट्स फोकस फ्रॉम वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट। अभी तक इंडिया का फोकस किस पर था बजट में, कि वुमेन का डेवलपमेंट किया जाए, बट अब क्या है, वुमेन लेड डेवलपमेंट, इसका मतलब वुमेन्स आगे से लीड करेंगी और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगी, ना सिर्फ ओनली मेन्स। अभी तक मैन लीड लेड डेवलपमेंट था और फोकस किस पे था, वुमेन डेवलपमेंट पे भी होना चाहिए, बट अब क्या है, वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो ये नीड है इंडिया की, ये डेवलपमेंट है इंडिया का अभी तक जेंडर बजटिंग में।
तो इस तरह से हमने देखा जेंडर बस्टिंग क्या है, रिसेंट इसमें क्या डेवलपमेंट्स हुए, DMEO ने किस प्रकार अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।